इस बीच मुअज्जज एमएलए का स्वागत करते हुए जनाब नौशाद अख्तर साहब मुशायरा के कन्वीनर, अब इसके बाद अपने सदर मोहतरम जनाब बदलहसन स्कॉप साहब को मैं जहीर अहमद साहब से गुजारिश करूंगा, आप उनकी चादर पोशी करके उनका इस्तकबाल करें। आ जाइए। हेलो, मैं ताली बजाने में कंजूसी ना करें आप लोग। जी जी, जरा सा ताली जोर से बजा दें। आवाज के मुशायरे के नाज़िम मुशायरा जनाब उमर फारूकी साहब को मैं रुकू सिंह यानी अपने मेहमान खसूसी चीफ गेस्ट से मुअद्दबाना गुजारिश करता हूं कि आप आए और आप इनकी चादर पोशी करके इनका इस्तकबाल करें। नाज़िम मुशायरा आज के इस मुशायरे के संचालन करता। अब अपने मेहमान शायद निशान चमन साहब, निशान चमन साहब जनाब तौकीर अली साहब से गुजारिश है कि आप उनकी चादर पोशी करके उनका इस्तकबाल करें। इसके बाद शाहिद अली साहब जनाब तनवीर अख्तर साहब को चादर पोशी करें। शाहिद अली साहब, वली रहमान साहब, वसीम मदर साहब को, वसीम मदर साहब, फैयूर रहमान साहब, बादशाह प्रेमी जी को, खड़े हो जाइए बादशाह प्रेमी जी। बादशाह प्रेमी जी। अब इसके बाद तनवीर अख्तर साहब, तनवीर अख्तर साहब रंजना सिंह हया को, तनवीर अख्तर साहब चादर उनके हाथ में रख दीजिए। भीषम सहनी जी, भीषम सहनी जी निखत मुरादाबादी को, मोहतरमा निखत मुरादाबादी। जनाबे अब्दुल गफ्फार साहब, मोहतरमा सना कौशर कौशर शाह को, जनाबे अब्दुल गफ्फार साहब, मोहतरमा सना कौशर शाह को, अब्दुल गफ्फार साहब जी, और जनाब आजाद मुखिया साहब, मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि आप फलक सुल्तानपुरी को चादर देकर के उनका इस्तकबाल करें। फलक सुल्तानपुरी, और आखिर में आज के इस मुशायरे के कन्वीनर और बहुत ही जद्दोजहद मेहनत कोशिश के बाद ऐसी महफिल सजाने रचाने और बसाने वाले जनाब भाई नौशाद अख्तर साहब को चादर पोशी करने के लिए मैं फिर मेहमान खसूसी से चीफ गेस्ट साहब को तकलीफ देना चाहता हूं कि आप उनकी चादर दे करके उनकी हिम्मत अफजाई फरमाए। जनाब नौशाद अख्तर साहब को माननीय एमएलए रिंकू सिंह जी स्वागत करते हुए। अब इसके बाद आइए दोस्तों, मैंने कहा था चादर पोशी के बाद बहुत ही जल्द इस प्रोग्राम का, इस मुशायरे का आगाज हो जाना है। हजरत गिरामी, हम और आप ये जानते हैं कि हम मुसलमान और इस्लाम अकीदा रखने वाले जब भी अपने काम का आगाज और शुरुआत करता है तो सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन और हक सुभान व तआला की तारीफ और तौसीफ से अपनी बातों को रखता है। लिहाजा बिला तमहीद मैं इस शेर के साथ के समाज के हवाले कीमती आवाज करता हूँ, समाज के हवाले कीमती आवाज करता हूँ, तखय्युल बावजू रखते हुए परवाज करता हूँ और रसूले अहले सुन्नत का लिबादा ओढ़ करता हूँ। खुदा के नाम से इस महफिल का मैं आगाज करता हूँ, यानी बारगाह यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन रब्बुल जलाल की तारीफ और तौसीफ बयान करने के लिए जो मुश्तखाक से इंसान को बनाता है, जो मुश्तखाक से इंसान को समंदरों में जजीरे वहीं उगाता है, उसी की शान है सुभान रब्बियल आला, निगार खाने हस्ती वहीं चलाता है। बिला तमहीद अपने मुअज्जज मेहमान शायर जनाब तनवीर अख्तर साहब जो मऊ से ताल्लुक रखते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाए इस शेर के साथ कि आ चुके लोग दीवाना अभी बाकी है, आ चुके लोग दीवाना अभी बाकी है, इफ्तिताह है तेरे मैखाना अभी बाकी है, और सब्जा है गुल है फसल बहार है, सब आ चुके बस सिर्फ तेरा इंतजार है। हमद पाक के लिए तनवीर अख्तर साहब मऊ। Go.
नहीं करेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे। हमारा क्या अरे आपका ये हम तो अच्छा सम्मान जी आप है। ऑल इंडिया मुशायरा प्रोग्राम और कवि सम्मेलन की निजामत के लिए जनाब उमर फारूकी साहब से मैं मुअद्दबाना